अंजुमन पटवारियां सियालकोट के जिले सदर एहसन चीमा, तहसील सदर अशरफ बाजवा और डिविजनल सदर मियां उस्मान के जरिए एहतमाम महकमा रेवन्यू के अफसरान और मुलाजमीन के एजाज में सेमिनार का इनाकाद किया गया। सेमिनार में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू सियालकोट अब्दुल रऊफ, असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ, असिस्टेंट कमिश्नर संबड़ियाल हैदराबाद, असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर अनम खान, असिस्टेंट कमिश्नर डस्का राहील बेग और सूबाई सदर अंजुमन पटवारियां शाहिद अंसर गोराया ने भी शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट अब्दुल रऊफ ने कहा कि सीनियर मेंबर ऑफ रेवेन्यू पंजाब की सरबराही में महकमा माल को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। तमाम पटवारियों को लैपटॉप समेत जदीद डिजिटल आलात से आरास्ता किया जा रहा है ताकि फील्ड में ही सायरीन के मसाइल को हल किया जा सके। हमें पहले से ज्यादा जमा बंदियां और गर्दारियां करने की, जबकि कोरोना वैक्सीनेशन की जारी मुहिम की आइंदा 10 रोज महकमा सेहत के साथ मिलकर मतलूबा अहदाफ के तहत रोजाना 60,000 ऐसे अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन लगवानी है जिन्होंने अभी तक कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं करवाई, और तमाम रेवेन्यू दफ्तरों और अराजी रिकॉर्ड सेंटर में आए सायरीन को उस वक्त तक सर्विस ना दी जाए जब तक वो कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहते। उन्होंने नई बरते होने वाले पटवारियों को महकमा में खुश आमदीद कहा और उनकी सपोर्ट फ्राहम करने की हिदायत की। इस मौका पर सूबाई सदर अंजुमन पटवारियां शाहिद अंसर गुराया ने भी खिताब किया। सेमिनार में तहसीलदार सियालकोट ओमन मुश्ताक, तहसीलदार डस्का रशीदुद्दीन और दीगरान ने भी शिरकत की। नसीर बेग, ब्यूरो चीफ, प्राइम स्टार न्यूज़, सियालकोट।